श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्री राम राम जय जय राम। राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम सभी लोग आज मंगलवार को मंगलमयी भगवान की और मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का आनंद प्राप्त करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति मंगल की ही कामना करता है। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अमंगल आए, लेकिन फिर भी अमंगल इसलिए आता है क्योंकि हम लोग मंगल भवन को छोड़ करके अमंगल की स्थितियों में जुड़ने की स्थिति में बने रहते हैं। भगवान मंगल भवन हैं, उनके लिए स्पष्ट कह दिया गया कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मेरे सरकार की कथा भी तो मंगल करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। आह, कितने अद्भुत हैं मेरे सरकार। इतने समय वाल्मीकि जी भी मेरे सरकार का दर्शन करते हैं तो वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी। आह, सरकार कितने अद्भुत हैं। मंगल मूरति लोचन भरी भरी, हर सैनी रखी दंडवत करी करी। और मेरे हनुमान जी तो मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सारे अमंगलों की जड़ को ही श्री हनुमान जी महाराज नष्ट कर देते हैं। बताइए, जब हम इन विभूतियों से जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में तो हमेशा मंगल ही रहेगा। तो आज हम लोग मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का आश्रय लेकर के उन्हीं की कृपा प्रसाद से, उन्हीं की चरण शरण में बैठ करके, उन्हीं की ममता में स्थिति के आंचल में अपने को पूरी तरह से आच्छादित करके, उन्हीं पर थोड़ा सा विचार करके अपने मन और वाणी को परिष्कृत करने का उपाय यहाँ करेंगे। आप देखिए ना, श्री हनुमान जी तो वैसे तो एक क्षण के लिए भी राम जी से अलग नहीं है, किसी भी समय में अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके जीवन में निरंतर राम कथा है तो वो तो राम जी से एक क्षण के लिए कभी पृथक हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी में और राम जी की कथा में किंचित मात्र कोई अंतर ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हमने राम जी को नहीं देखा है, तो अगर उसने राम कथा को देखा है तो निश्चित ही उसने राम जी को देखा है। अगर कोई ये कहे कि हम राम जी के पास कभी नहीं गए, नहीं भाई, अगर आप राम कथा के पास गए हैं तो आप राम जी के ही पास बैठे हैं। देखिए ना, राम जी में और राम जी की कथा में किंचित मात्र भी कोई भेद ही नहीं है। जो राम जी हैं वही राम जी की कथा है। क्योंकि जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। जैसे राम जी अनंत हैं, उसी तरह से राम जी की कथा, राम जी की कीर्ति, राम जी के गुण, ये जितनी स्थितियां हैं, राम जी से जुड़ी हुई प्रत्येक स्थिति राम जी ही है। और क्या, जैसे कहते नहीं कि महबूब की हर चीज
महबूब होती है। ऐसे ही सरकार की कथा, सरकार का कीर्तन, सरकार के गुणानुवाद वो स्वयं भगवान ही हैं। तो हनुमान जी तो किसी भी क्षण राम जी से अलग हैं ही नहीं, उनके तो आप ये समझिए कि रोम रोम में ही राम समाहित हैं। और आपको ये खुशी होगी कि हनुमान जी ऐसे पात्र हैं जो निरंतर राम जी का स्मरण करते हुए, राम जी का जप करते हुए, राम जी की कथा सुनते हुए आज तक कभी वो तृप्त ही नहीं हुए, वो हमेशा अतृप्त ही रहते हैं। वो तो कहते हैं कि तो नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनोमम, आपका नाम स्मरण करते करते मेरा मन कभी तृप्त होता ही नहीं है। तो हनुमान जी तो एक क्षण के लिए भी राम जी से अलग हैं ही नहीं, परंतु लीला कथा में अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो राम जी का और हनुमान जी का जो मिलन है वो कहां पर होता है, वो किष्किंधा कांड के मंगलमयी धरातल पर होता है। और कहां पर होता है, वो ऋष्यमुख पर्वत के पास में होता है। कितना सुंदर सूत्र है कि भक्ति की खोज के लिए, श्री जानकी जी की खोज के लिए राम जी की यात्रा आगे बढ़ती है। माता सबरी ने भी उनको कहा था कि पंपा सरही जाहु रघुराई तहां होई सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई जहां तहां मरकट कोटि पठाई। माता सबरी कितनी बड़ी भक्त हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ही मेरे प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया हो। उन्होंने कहा कि आप पंपा सरोवर क्षेत्र में जाएं और वहां सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी, सुग्रीव से मित्रता हो जाएगी। जिसकी ग्रीवा सुंदर है वही सुग्रीव है। ग्रीवा को हम लोग गला भी कहते हैं, गला यानी जिसका गला सुंदर है। इसका एक बड़ा प्यारा अर्थ यह है कि जिसकी वाणी सुंदर है, और जिसकी वाणी सुंदर होगी उसी के माध्यम से तो भक्ति की खोज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वाणी तो उसी की सुंदर होती है जिसकी वाणी में हमेशा भगवदी चिंतन हो, भगवदी चर्चाएं होती हो, उसी की तो वाणी सुंदर होती है। और सच तो ये है कि वाणी तो उसी की वाणी है जो प्रभु से जुड़ी हुई है। शिव जी भी यही कहते हैं कि जो नहीं करई राम गुण गाना अजीह सुदादुर जीह समाना, यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही भक्ति की खोज कराने में मदद कर सकता है। इसलिए आप वहां जाएं, जैसे ही माता सबरी ने कहा है सरकार की यात्रा आगे बढ़ती है, पंपा सरोवर क्षेत्र में आए हैं, और फिर जब उनकी यात्रा आगे बढ़ी तो आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। वो ऋष्यमुख पर्वत जो है निकट में आया, और वहां रहता कौन है, बोले तहां रह सचिव सहित सुग्रीवा, ओ आवत देखी अतुल बल सीवा। वहां अपने मंत्रिमंडल के साथ सुग्रीव जी महाराज विराजमान हैं, और जैसे उन्होंने अतुल बल के धाम मेरे सरकार को आते देखा तो ठीक उसी समय वो बहुत ज्यादा डर गए। जब बहुत ज्यादा डरे तो उन्होंने क्या किया, बोले अति सभीत कहे सुन हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। वो सभीत नहीं हुए, अति सभीत हुए। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, बस यहीं से लीला कथा में इसी स्थान से श्री हनुमान जी का यहाँ प्रागट्य हो रहा है। आप वैचारिक दृष्टिकोण से देखें कि सुग्रीव जी सभीत नहीं है, अति सभीत है।
डरे हुए नहीं है, अति डरे हुए। और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ हो तो किसका आश्रय लेना चाहिए? या इसका अर्थ ये भी है कि हमारे जीवन में जब बहुत बड़ा डर आ जाए, हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा हम संकट का अनुभव करने लगे, तो ऐसे में हमको सिर्फ 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 हनुमान जी का आश्रय ही यथेष्ट है। क्योंकि हनुमान जी ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन के समस्त भय को, हमारे जीवन के समस्त संकटों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। अब आप देखिए, इतनी सुंदर स्थिति होने के बाद भी अगर हम श्री हनुमान जी के चरणों का आश्रय न ले सकें, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो ही क्या सकता है। आप सूत्र के रूप में देखिए कि हनुमान जी का जो प्रथम दर्शन हो रहा है, हनुमान जी का जो प्रथम परिचय हो रहा है, वो उन विषम परिस्थितियों में हो रहा है जब सुग्रीव जी डरे हुए नहीं है, सुग्रीव जी अति डरे हुए हैं। तो हमारे जीवन का पूरा पूरा डर तभी समाप्त हो सकता है जब हम हनुमान जी का आश्रय लेंगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से हमारे जीवन में वो सारी की सारी स्थितियां आ जाती हैं जिनके माध्यम से डर खत्म हो जाता है। समाज में कई बार व्यक्ति इसलिए डरता है कि उसके मन में कोई लोभ होता है, उसके मन में कोई कामना होती है। तो ये जो हमारे जीवन की कामनाएं हैं, जो हमारे जीवन के लोभ हैं, ये हमको डराते रहते हैं। परंतु जब हम हनुमान जी का आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन की जो कामनाएं हैं, जो इधर उधर जा रही हैं, वो सकारात्मक दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। हमारे जीवन का जो लोभ है उसकी दिशा बदल जाती है। कामना होने के बाद भी कामना सकारात्मक हो जाती है, लोभ होने के बाद भी लोभ की स्थिति सकारात्मक हो जाती है। यही तो हनुमान जी से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ है। बाकी डरे हुए कौन है, आप सूत्र के रूप में देखेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि जे कामी लो लुप जग माही कुटिल काकयू सब ही डराही। वो सबसे डरते हैं, लेकिन जो हनुमान जी का आश्रय लेगा उसका डर ही खत्म हो जाएगा। तो अति सभीत कहे सुन हनुमाना, उन्होंने कहा अरे हनुमान जी सुनो, वो तो बहुत ज्यादा कांप रहे थे, बहुत ज्यादा डर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरुष जुगल बल रूप निधाना, ये दोनों जो है बहुत ही बलवान लग रहे हैं, हमको तो बड़ा भय लग रहा है, बहुत ज्यादा भय लग रहा है। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, एक काम करो जरा पता लगाओ कि धरी बटु रूप देखो तय जाई और कहसु जानी जिय सयन बुझाई। तुम ब्रह्मचारी का रूप लेकर के जाओ। और कितना सुंदर सूत्र यहां सुग्रीव जी दे रहे हैं, सुग्रीव जी बहुत सुंदर सूत्र यहां दे रहे हैं कि अगर मिलना है, परमात्मा का परिचय जानना है, परमात्मा से जुड़ना है, तो हमें प्राथमिक स्थिति में ही पहले प्रवेश करना चाहिए। और हमारे जो चार आश्रम की व्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, अंततः संन्यास आश्रम है। तो यहाँ धरी बटु रूप ब्रह्मचारी के रूप में आप जाएं, इसका मतलब है ये प्राथमिक स्तर से हम लोग जब प्रवेश करेंगे तभी तो परमात्मा की स्थिति समझ में आएगी। और जो धरी बटु रूप देखो तय जाई, जा करके उनको देखो तभी दिखाई पड़ेंगे जब हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य की स्थिति होगी। कितना सुंदर सा सूत्र है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ही है कि जो साधना में रत हो, जो गुरुजनों की सेवा में रत हो, जो महापुरुषों की सेवा में रत हो, वही तो ब्रह्मचर्य है। और जब ब्रह्मचर्य व्रत में हम रहते हैं तभी तो परमात्मा को देखा जा सकता है, तभी तो परमात्मा को समझा जा सकता है। और क्या, यही तो स्थिति है। पूज्य चरण वशिष्ठ जी महाराज भी तो यही कहते हैं कि सोचिए बटु निज व्रत परिहरई,
अजो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। ऐसा ब्रह्मचारी सोचनीय है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन छोड़ करके और गुरु जी की आज्ञा को छोड़ करके इधर उधर भटक रहा है, वो सोचनीय है, उसकी स्थिति गंभीर होती है। इसलिए अगर परमात्मा को देखना है, परमात्मा को समझना है, परमात्मा के विषय में जानकारी करना है तो हमको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही यथेष्ट है। ये बात सुग्रीव जी कह रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा और यहाँ वैचारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो एक रहस्य समझ में आएगा कि यहाँ सुग्रीव जी की जो भूमिका है वो गुरु की भूमिका है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य के अंश हैं, वो सूर्य के पुत्र हैं और हनुमान जी ने सूर्य जी से शिक्षा ग्रहण। गुरु का पुत्र भी गुरु के ही समान होता है, आत्मा वे जायते पुत्रः। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्रह्मचर्य स्वरूप धारण करके ही जाना पड़ेगा। धरि बट रूप देखु तय जाई और कहेसु जानी जिय सयन बुझाई। इसके बाद अपने हृदय में अच्छी तरह से समझ लेना, फिर हमको भी इशारा कर देना। इसका मतलब है कि जब हम परमात्मा को समझ लेंगे तो हम दूसरे को भी परमात्मा के विषय में ज्ञान दे सकते हैं। यही भूमिका श्री हनुमान जी की है। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का जो है ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य की स्थिति के माध्यम से ही परमात्मा मिल सकता है। इस स्थिति को पूरी तरह से हृदयंगम करके परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इस सूत्र को समाज में देना चाहते हैं और इसी माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये सूत्र है, यहीं से हनुमान जी का कथा पटल पर, लीला पटल पर यहाँ किष्किंधा कांड में दर्शन हो रहा है। हम लोग इसका आनंद लेते रहेंगे, क्रमशः इस स्थिति को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।